हे गाइस वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों 29th ऑफ मार्च को सिनेमा घर के अंदर बॉलीवुड की मूवी क्रू रिलीज होने वाली है। वहीं पर अगर बात की जाए तो ये मूवी फुल टू फुल एंटरटेनमेंट करने वाली मूवी होने वाली है। और उसी के साथ दोस्तों अगर बात करें तो इस मूवी का जो एडवांस बुकिंग है पहले दिन का काफी तगड़े तरीके से होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये मूवी अपने फर्स्ट डे पे अच्छी खासी एडवांस बुकिंग के साथ साथ तगड़ी ओपनिंग लेती हुई नजर आ सकती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रू मूवी के फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में, किस तरीके की अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट निकल के आ रही है, और साथ ही में बात करेंगे क्रू मूवी की टोटल फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, टिकट कितनी सोल्ड आउट हुई है, बजट कितनी होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो क्रू मूवी के स्टार कास्ट में हमें करीना कपूर, तब्बू, कृति सेनन के साथ साथ कपिल शर्मा भी नजर आने वाले हैं। वहीं पर अगर बात करें तो ये मूवी फुल टू फुल फन ड्रामा के साथ साथ फुल एंटरटेनमेंट और जबरदस्त कॉमेडी एंगल के साथ देखने मिलने वाली है। वहीं पर अगर बात करें तो ये मूवी 30 करोड़ की बजट में बनाई गई है और कहीं ना कहीं ये मूवी थिएटर्स के अंदर ऑडियंस को काफी तगड़े तरीके से एंगेज करते हुए कलेक्शन करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है फर्स्ट डे का काफी तगड़े तरीके से होती हुई नजर आ रही है, या फिर बात करें तो जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से 2.28 करोड़, जी हाँ दोस्तों 2 करोड़ 28 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने पहले दिन के एडवांस बुकिंग में ग्रॉस कलेक्शन के साथ नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो योद्धा मूवी की जो एडवांस बुकिंग थी क्रू मूवी के कंपैरिजन में काफी कम एडवांस बुकिंग देखने मिला था। वहीं पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं योद्धा मूवी का जो हाइप लेवल था वो काफी ज्यादा था, 100 करोड़ की बजट में मूवी को बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर क्रू मूवी के बारे में अगर बात की जाए तो क्रू मूवी का जो बजट है 30 करोड़ का है। साथ ही में बात करें तो जिस तरीके से ट्रेलर को रिलीज की गई है उसके हिसाब से जो एक्साइटमेंट लेवल है, हाइप लेवल है, और ऑडियंस को इस तरीके की कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वाली मूवी की काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरीके की एडवांस बुकिंग क्रू मूवी के लिए देखने मिल रही है उसके हिसाब से अगर बात करें तो दिल्ली में और मुंबई के अंदर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर क्रू मूवी की एडवांस बुकिंग काफी तगड़े तरीके से देखने मिल रहे हैं। जहां पे बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल 73 लाख की एडवांस बुकिंग के साथ साथ दिल्ली के अंदर 56 लाख की एडवांस बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि इन दोनों स्टेट्स के अंदर अच्छी खासी और तगड़ी एडवांस बुकिंग देखने मिल रही है। वहीं पर अगर बात की जाए तो दोस्तों गुजरात के अंदर 15.73 लाख की एडवांस बुकिंग देखने मिल रही है और टोटल फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें 2.58 की एडवांस बुकिंग की ग्रॉस कलेक्शन के साथ साथ 1,05,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं क्रू मूवी अपने पहले दिन पे 5 से 7 करोड़ के आसपास की कलेक्शन एकदम स्मूथली करती हुई नजर आ सकती है। और वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो ये मूवी 10 करोड़ की कलेक्शन कहीं कर लेती है, इनकेस अगर कर लेती है तो कहीं ना कहीं थिएटर्स के अंदर काफी तगड़े तरीके से दबाव बनाते हुए कलेक्शन के मामले में भौकाल मचाती हुई नजर आ सकती है। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के मूवीज, वेब सीरीज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के छोटी से छोटी लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।